देश दुनिया की सबसे सटीक खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। BCCI दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। क्रिकेट प्लेयर्स, कोच, स्टाफ और स्टेडियम्स पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया भी जाता है। लेकिन गुवाहाटी में हुए इंडिया श्रीलंका के पहले T20 मैच में ग्राउंड को सुखाने के लिए जो किया गया, उसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। गुस्सा इसलिए भी क्योंकि पिच सुखाने की तरकीब के तरीके का मजाक उड़ाने का मौका अब पाकिस्तानियों को भी मिल गया है। पाकिस्तानियों ने स्टेडियम सुखाने के लिए अपनी आर्मी के हेलीकॉप्टर का फोटो शेयर करते हुए लिखा, फर्स्ट पिक गुवाहाटी, सेकंड पिक पाकिस्तान। दरअसल गुवाहाटी में हुए मैच में बारिश की वजह से पिच गीली हो गई थी, जिसके कारण मैच में देरी हो रही थी। लेकिन गीली पिच को सुखाने के लिए ग्राउंड स्टाफ ने एक नायाब तरीका खोज निकाला और वो तरीका कम जुगाड़ ज्यादा था। ग्राउंड स्टाफ पिच को हेयर ड्रायर और स्टीम आयरन से सुखाने लगे और ये तरीका कितना कामयाब है ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपए इधर उधर फूंकने वाली BCCI के पास इस चीज का समाधान पहले से क्यों नहीं है। माना अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन हेयर ड्रायर से पिच सुखाकर पूरे विश्व में बेइज्जती करवाना जरूरी है क्या? सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके बाद चुटकियां भी ली। सरकास्टिक ड्यूड ने अपने ट्वीट में लिखा, 1980 हम 2020 में फ्लाइंग कारें बनाएंगे, 2020 पिच को हेयर ड्रायर से सुखाया जा रहा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, हेयर ड्रायर सीरियसली, कितने शर्म की बात है। वैसे यूजर्स भी अपनी जगह सही हैं। हर साल लाखों टन अनाज अच्छे गोदाम ना होने की वजह से खराब हो जाता है। बावजूद इसके क्रिकेट स्टेडियम्स के रखरखाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इसके बाद भी पिच सुखाने के लिए हेयर ड्रायर देखने को मिले तो हैरानी तो होगी ही। आपको क्या लगता है, पिच सुखाने के और कौन से तरीके हो सकते हैं? इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।